स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। सो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर भी लिए होंगे, जिन्होंने अभी नहीं किए हैं तो वो 4 अप्रैल तक बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 12 अप्रैल तक फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिलेबस के रिगार्डिंग। तो अगर आपने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का होने जा रहा है 8 जून को। तो अभी मार्च चल रहा है, अभी आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है प्रिपरेशन का। तो 8 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी, 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये एग्ज़ाम में 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे लैंग्वेजेस के, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही आंसर करते हैं तो उसमें आपको 1 मार्क दिया जाएगा, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0, अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका 4 सेक्शन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज। तो फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 30 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज में 10 मार्क्स का आपका रहेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से आपके ये एग्ज़ाम पैटर्न रह जाता है। बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट जो सिलेबस रहेगा वो आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल नॉलेज में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसका भी सिलेबस देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ बॉयज़ पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में वो 6 जुलाई को होने वाला है। अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। पैरामेडिकल के लिए अगर आपके पास 12th में पीसीबी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपने किया तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बायोलॉजी वाला सेक्शन अटैम्प्ट करना है या मैथमेटिक्स वाला करना है, लेकिन पैरामेडिकल में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आएगा और जनरल नॉलेज नहीं आएगा। पैरामेडिकल के एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1.5 आवर्स रहेगी, 1.5 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो 14 डिफरेंट सिटीज़ में होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाए भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बढ़ाए गए थे। तो अभी फ़िलहाल ये 14 है, जैसे ही कोई अपडेट आता है एग्जामिनेशन सेंटर का वो मैं आपको अपने चैनल पर इन्फॉर्म कर दूँगी। सो गाइज, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ मैंने आपको एग्जामिनेशन मोड, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में बता दिया है। अगर आप और भी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, या फिर एम्स में चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितने टोटल एम्स हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पोस्ट बेसिक, बेसिक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए भी डिफरेंट फुल डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें एम्स, पैरामेडिकल, ये बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर एक
अपडेट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी अगर आप अपडेट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो चैनल से आप कनेक्टेड रहिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी में। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट मैं उसके रिगार्डिंग भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय।